दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हमारे लिटरेरी क्रिटिसिज्म की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम डिस्कस करेंगे एसटी कॉलरेज का लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इनका लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एक बहुत ही फेमस वर्क है दोस्तों। कई क्रिटिक्स मानते हैं इस वर्क को लिटरेरी क्रिटिसिज्म का वर्क, और दोस्तों कई क्रिटिक्स नहीं भी मानते हैं। इस वर्क का नाम है बायोग्राफिया लिटरेरिया। दोस्तों इसके अंदर एसटी कॉलरेज ने इसका बेस क्रिटिसिज्म का बेस जो है वो फिलॉसफी और साइकोलॉजी दोनों को बनाया है। वो कैसे बनाया आगे हम डिस्कस करेंगे। वैसे आज की ये वीडियो होने वाली थी विलियम वर्ड्सवर्थ के प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स पर, लेकिन दोस्तों उस पर मैं ऑलरेडी दो वीडियोस बना चुका हूँ, तो उस पर क्या वीडियो और बनानी है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मैंने ढंग से उसको डिस्कस कर रखा है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। एसटी कॉलरेज के फादर एक क्लर्जीमैन थे जो बुक्स में बहुत खोए रहते थे, प्रैक्टिकल लाइफ से एकदम दूर, जबकि उनकी मदर जो थी वो प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत जुड़ी हुई थी, दुनियादारी से बहुत जुड़ी हुई थी। बचपन से ही कॉलरेज का स्वभाव ऐसा था कि वो बहुत ही इमेजिनेटिव सोल थे, तो उनकी मदर को चिंता रहती थी। वो चाहती थी कि उनके बेटे को दुनियादारी की समझ होनी चाहिए, तो इसके लिए वो बहुत कुछ करती थी। अब कॉलरेज के फादर की डेथ के बाद में उनको 1781 में क्राइस्ट हॉस्पिटल लंदन में भेजा गया पढ़ने के लिए। ये दोस्तों गरीब बच्चों के लिए एक वहाँ पर पढ़ने के लिए एक जगह थी, क्राइस्ट हॉस्पिटल लंदन में। लंदन में कॉलरेज का कोई भी रिश्तेदार नहीं था सिवाय उनके एक अंकल के, और उन अंकल के लिए एसटी कॉलरेज कहते हैं कि उनके अंकल कॉफ़ी हाउस और बार वगैरह उनको ले जाया करते थे, और वहीं कॉलरेज को शराब पीने की आदत लगी। क्राइस्ट हॉस्पिटल में रहते हुए कॉलरेज अपने फ्यूचर को लेकर बहुत सीरियस थे, लेकिन एक चीज़ पर टिके रहने वाले नहीं थे। कभी तो वो कॉबलर बनना चाहते थे यानी कि एक मौची, या फिर कभी वो एक डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट कुल मिलाकर लिटरेचर की तरफ ही था। वो फियरी टेल्स वगैरह पढ़ते थे। अब 1791 में कॉलरेज जाते हैं कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए। वहाँ भी ये नशेड़ियों के लीडर बन गए और समझते थे कि शराब पीने से नॉलेज आती है। और फिर पता नहीं क्या हुआ कि कैम्ब्रिज से ये बिना डिग्री लिए भाग गए और जाकर आर्मी ज्वाइन कर ली। लेकिन बाद में इनको एहसास हुआ कि मैंने गलत किया, और लिटरेचर का जो प्यार था इनका वो इन्हें वापस कैम्ब्रिज खींच लाया। अब दोस्तों यहाँ से कॉलरेज की इंटरेस्टिंग करियर की शुरुआत होती है। यहाँ वापस आने के बाद इन्होंने ह्यूमैनिटी में सुधार के लिए एक स्कीम बनाई। इस स्कीम का नाम था पेंटिसोक्रेसी। ये दोस्तों एक यूटोपियन स्कीम थी। इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सारे लोग इक्वल हो और सारे रूल करते हों, एक यूटोपियन टाइप की एक सोसाइटी बनाने की सोची इन्होंने। अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन्होंने सोचा कि हम लोग यूएस में ऐसी कम्युनिटी को इस्टेब्लिश करेंगे, सस्क्यूहाना रिवर के पास में। तो रॉबर्ट साउदी ने भी इस स्कीम को ज्वाइन कर लिया। रॉबर्ट साउदी कहते थे कि वेल्स के पास हम रखते हैं इसकी कोई लोकेशन। तो एसटी कॉलरेज और रॉबर्ट साउदी के बीच में कोई लोकेशन डिसाइड नहीं हो पाई, और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो कॉलरेज ने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ये सोसाइटी बन नहीं पाई। काफ़ी सारे काम कॉलरेज की लाइफ में अधूरे रह गए, वो सब आगे आप देखोगे। 1795 में कॉलरेज की मुलाकात होती है विलियम वर्ड्सवर्थ से। तो वर्ड्सवर्थ के इन्फ्लुएंस से कॉलरेज की पोइट्री में कुछ मैच्योरिटी आई। कॉलरेज ने वर्ड्सवर्थ की सिस्टर डोरोथी से भी काफ़ी कुछ सीखा और उनको भी इन्फ्लुएंस किया। डोरोथी भी कॉलरेज की इस अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुई, और डोरोथी ने कॉलरेज के लिए लिखा कि बड़ा वंडरफुल आदमी है। कॉलरेज के साथ कन्वर्सेशन दिल दिमाग और आत्मा तीनों पर असर डालती है। बिल्कुल विलियम की तरह वो एक गुड टेम्पर्ड और चेयरफुल है। पहले तो वो मुझे बड़ा सिंपल लगा, लेकिन कुछ मिनट तक उसकी आँखों में देखा तो उसकी आँखें ग्रे थी और उसकी आईब्रोज बहुत ही डार्क थी, ओवर हैंगिंग फॉरहेड था उसका। अब दोस्तों कॉलरेज की मैरिड लाइफ की बात की जाए तो वो ठीक नहीं थी, उनकी वाइफ का नेचर उनसे बिल्कुल नहीं मिलता था। वो कॉलरेज की बीमारियों को लेकर काफ़ी परेशान रहती थी, लेकिन इतनी सारी क्वालिटीज़ को नहीं देखती थी कॉलरेज की। विलियम हैजलेट ने भी कॉलरेज को जब दोस्तों पहली बार सुना तो वो बड़े इम्प्रेस हुए, और उनके लिए कॉलरेज के लिए एक पेपर लिखा। फिर कॉलरेज के रिलीजियस ओपिनियंस चेंज हो गए, और फिर इन्होंने जर्मन फिलोसफी की तरफ ध्यान देना शुरू किया। अगर आप कॉलरेज के थॉट्स देखोगे तो ग्रेजुअली इनके थॉट्स में चेंज आता ही गया। दोस्तों ये जर्मन फिलोसफी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे इमैनुअल कांट से, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर थे। उनकी फिलोसफी से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे ये। 1798 में इन्होंने वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर लिरिकल बैलेट्स का फर्स्ट एडिशन पब्लिश किया,
जिसने इन दोनों को फेम दिलाई, लेकिन कुछ सालों बाद कॉलरिज बीमार पड़ गए। फिजिकल पेन होता था उनको, और उसी पेन को कम करने के लिए कॉलरिज ने अफीम लेना शुरू कर दिया। और कॉलरिज ने लिखा कि ये काम कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे जादू सा हो गया, मुझे अच्छा फील हो रहा है, मैं रिकवर हो रहा हूँ। लेकिन जो वो रिकवर हो रहे थे वो टेम्प्ररी अफीम, वो टेम्प्ररी थी। अफीम जब उतरी तो सिर का दर्द शुरू हो गया, मतलब पूरी बॉडी में पेन होने लगा। और इसके बाद अफीम लेना इन्होंने बंद नहीं की, बल्कि और ज़्यादा लेने लगे। जब भी डिप्रेशन होता था वो अफीम लेते थे, और उसे लेते लेते ये और ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए। और तब जाकर इन्होंने अपना वर्क कंपोज किया, ओड टू डिजेक्शन। इसके बाद कॉलरिज की जो इंटेलेक्चुअल और इमेजिनेटिव पावर कुछ टाइम के लिए एक्टिव हुई, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए एक्टिव हुई। तो इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे वर्क्स लिखे दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी कमी इनकी ये थी कि ये किसी वर्क पर ठीक से काम नहीं कर पाते थे। और इनके कई फ्रेंड्स ने इन्हें कई लेक्चर देने के लिए बुलाया, शेक्सपियर पर इन्होंने कई लेक्चर्स दिए। और अब इनकी बिगड़ती हुई कंडीशन ने इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में डाल दिया, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में। इनके बेटे को ऑक्सफोर्ड फेलोशिप से बाहर निकाल दिया गया, जिससे इनकी प्रॉब्लम्स डबल हो गई। तो अपने बेटे को देखकर कभी कभी तो इनको प्राउड होता था, लेकिन खुद की कंडीशन को देखकर अफसोस होता था। इसी मेलांकरी की सिचुएशन में इन्होंने अफीम और ज़्यादा लेना शुरू कर दी। कॉलरिज के पास इस वक्त तक कुछ भी नहीं था सिवाय अपनी दीवाना कर देने वाली बातों के। वो बीमारी के टाइम पर अपने फ्रेंड्स वगैरह को कुछ ना कुछ सुनाते रहते थे, क्योंकि उनके फ्रेंड्स उनके आसपास आकर इकट्ठा हो जाते थे उनके ब्रिलियंट आइडियाज़ को सुनने के लिए। और दोस्तों, इन्हीं सुनने वालों में दो बंदे जो कि आने वाले सेलिब्रिटीज़ थे, वो उनसे मिलने आए। सबसे पहले तो एमर्सन, रैल्फ वाल्डो एमर्सन, जिन्होंने अमेरिका में ट्रांसेंडेंटलिज्म मूवमेंट को सपोर्ट किया था, और दूसरे थे थॉमस कार्लाइल। उनको महसूस हुआ कि कॉलरिज मर रहे हैं। उस वक्त दोस्तों कॉलरिज की कंडीशन बहुत ख़राब थी। एक शाम वो अपने दोस्त को अपने रिलीजियस व्यूज़ के बारे में बता रहे थे, तो बोलते बोलते उनकी आवाज़ थम गई। कुछ घंटों के लिए वो कुछ नहीं बोले, एंड आफ्टर फ्यू आवर्स ही क्वाइटली पास्ड अवे। जब वर्ड्सवर्थ को पता चला कि कॉलरिज गुजर गए, तो वर्ड्सवर्थ ने कहा, ही वॉज द मोस्ट वंडरफुल मैन दैट आई हैव एवर नोन। जो भी कॉलरिज को जानता था सब उनकी डेथ पर रोए कि इतना ब्रिलियंट आदमी हमारे बीच में से चला गया। एक गिफ्टेड यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ माइंड और ओरिजिनल आइडियाज़ की क्वालिटी थी कॉलरिज के अंदर। अब बात करते हैं कॉलरिज के लिटरेरी क्रिटिसिज्म में सबसे ज़रूरी वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया की। दोस्तों ये कॉलरिज की 6 महीनों की मेहनत का रिजल्ट था ये वर्क, और इसके अंदर 24 चैप्टर्स हैं। इसको लिखने के लगभग 1.5-2 साल तक इसको पब्लिश नहीं करवाया गया। 1.5-2 साल बाद इसको पब्लिश करवाया गया, वो क्यों वो मैं आगे बताऊंगा। इसको लिखने से पहले कई बार कॉलरिज ने सोचा कि क्या उन्हें अपने फिलोसॉफिकल और लिटरेरी व्यूज़ पर लिखने चाहिए कि नहीं लिखने चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमको पता है कि लिरिकल बैलेट्स के 2nd एडिशन का जो प्रीफेस था उसको ये एस्ट्री कॉलरिज लिखना चाहते थे और अपने लिटरेरी थ्योरीज देना चाहते थे। लेकिन कुछ सालों बाद वर्ड्सवर्थ ने खुद लिखा कि ये प्रीफेस मैंने एस्ट्री कॉलरिज के रिक्वेस्ट पर लिखा था। लेकिन सच तो ये था कि कॉलरिज ने खुद पहले इस प्रीफेस को लिखने के बारे में सोचा था, लेकिन बाद में खुद कॉलरिज ने इस प्रीफेस लिखने के आइडिया को छोड़ दिया और अपने नोट्स वर्ड्सवर्थ को दे दिए। इसके बाद टाइम गुजरता गया, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की पार्टिक डिक्शन की थ्योरीज में फ़र्क आता गया। ये बात बायोग्राफिया लिटरेरिया में साफ देखने को मिलती है। उन्होंने उसमें वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पार्टिक डिक्शन का क्रिटिसिज्म भी किया है दोस्तों कॉलरिज ने, और वर्ड्सवर्थ को इस बात पर ऑफकोर्स गुस्सा आया कि पहले तो कॉलरिज ने खुद मुझे ये सब लिखने के लिए इनक्रेज किया और अपने प्रीफेस में, और बाद में अब क्रिटिसाइज कर रहा है। इससे पहले कॉलरिज ने लेसिंग की बायोग्राफी पर लिखने की सोची और वो जर्मनी गए मटेरियल जमा करने के लिए, लेकिन तभी इनकी हेल्थ बिगड़ गई और कई सारे प्लान्स बनाए थे उन आइडियाज़ को भी इन्होंने ड्रॉप कर दिया और कंटेम्प्रेरी पोइट्री की ये स्टडी करने लगे। और फिर इसके बाद इन्होंने वर्ड्सवर्थ की पार्टिक डिक्शन की थ्योरी को एग्जामिन करना शुरू कर दिया। अब 1803 में इनके दिमाग में फ्रेश आइडियाज़ आए और इन्होंने फैसला किया कि ये एक बुक लिखेंगे ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म में, और इस बुक का पहले इन्होंने नाम दिया था ऑटोबायोग्राफिया लिटरेरिया। और वो अपनी इस बुक को लेकर, इस राइटिंग को लेकर बहुत एक्साइटेड थे
और इस वर्क को पब्लिश होते देखना चाहते थे, लेकिन अभी भी इस बुक के कंटेंट को लेकर ये सीरियस मतलब इतने श्योर नहीं थे। अब इनका बैड लक देखो कि मैंने आपको बताया था कि ये लिखने के 2 साल बाद पब्लिश हुई थी, तो क्यों जबकि ये इतने एक्साइटेड थे इसको पब्लिश करवाने के लिए, ये बुक 1817 तक पब्लिश नहीं हुई क्योंकि पब्लिशर ने इस बुक के साइज़ को मिसकैलकुलेट कर दिया था। पहला वॉल्यूम तो प्रिंट हो गया लेकिन दूसरे वॉल्यूम के लिए मटेरियल कंटेंट नहीं मिल पाया, तो कॉलरिज ने और ज़्यादा कंटेंट लिखा और एक बात पब्लिशर से साफ कर दी थी कॉलरिज ने कि मैं जो पहले लिख चुका हूँ उसे वापस नहीं लिख सकता। तो इन्होंने वर्ड्सवर्थ की तारीफ़ की, वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की तारीफ़ की और फिर इनका कंटेंट कम पड़ गया। तो कॉलरिज ने कुछ चीज़ें रिवाइज़ की, फिर भी इनका कंटेंट कम पड़ गया, तो पब्लिशर ने कहा कि और कंटेंट चाहिए, तो कॉलरिज ने कंक्लूजन लिखा। इसके बाद 2 साल के डिले के बाद में 1817 में बायोग्राफिया लिटेरिया को दो वॉल्यूम्स में पब्लिश करवाया गया, लेकिन इस वर्क में बहुत सारी चीज़ें मिसप्रिंटेड थी, तो ब्लैकवुड मैगजीन ने इस बुक का रिव्यू बहुत ही ख़राब किया। लेकिन फिर भी कई लोगों ने इस वर्क को पसंद किया और इस वर्क को अचीवमेंट में मिली। कॉलरिज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिटिक थे इंग्लैंड के, जिनकी रैंक क्रिटिसिज्म में जिनकी रैंक एरिस्टोटल और लंजाइनस वाली है, और उनकी क्रिटिसिज्म की रेंज भी बहुत वाइड है। इनको जर्मन ट्रांसेंडेंटलिज्म और इंग्लिश रोमांटिसिज्म के बीच की लिंक माना गया है, कई सारे क्रिटिक्स ने कहा है इनको, क्योंकि जर्मन फिलोसफी से ये बड़े इंस्पायर थे। याद रखना दोस्तों ये चीज़ कि कॉलरिज जर्मन फिलोसफी से बड़े इंस्पायर थे और फिलोसफी को ही इन्होंने क्रिटिसिज्म का बेस बनाया है। अब कॉलरिज ने इंग्लिश क्रिटिसिज्म को क्या क्या दिया है ये डिस्कस करते हैं। कॉलरिज के क्रिटिसिज्म का तरीका अलग था, वो रूल्स बनाते थे और फिर जज की तरह लिटरेरी वर्क्स पर अपना फैसला सुनाते थे। वो एज अ क्रिटिक ऐसा नहीं करते थे कि वो किसी वर्क को पढ़कर बताएं कि उनको कैसा फील हुआ या फिर अपना रिएक्शन दे, बल्कि उनका तरीका एकदम नया था। वो ये बताते थे कि इस वर्क ने मुझ पर कितनी छाप छोड़ी और इस वर्क को देखकर मुझे साइकोलॉजिकली कैसा लगा। इस नज़रिए से एस्ट्री कॉलरिज ने शेक्सपियर, मिल्टन और वर्ड्सवर्थ तीनों के वर्क का क्रिटिसिज्म किया है। और याद रखना दोस्तों एस्ट्री कॉलरिज अपने क्रिटिसिज्म में फिलोसफी और साइकोलॉजी दोनों का यूज़ करते थे कि किसी वर्क ने उन पर साइकोलॉजिकली कैसा असर छोड़ा है। और एक ज़रूरी चीज़, कॉलरिज की इमेजिनेशन का प्रिंसिपल। दोस्तों बहुत सारी चीज़ कॉलरिज की कई क्रिटिक्स को बचकाने लगती है, ऊपर से तो ये चीज़ बचकाने लगती है, लेकिन कॉलरिज पहले शख्स थे जिन्होंने इमेजिनेशन और फैंसी में फ़र्क बताया था। ध्यान रखना कॉलरिज ने इमेजिनेशन और फैंसी में फ़र्क बताया था, और वो बोलते थे कि जैसे इंसान एक जिंदा क्रिएचर है वैसे एक पोएट्री भी एक जिंदा क्रिएचर होती है, उसकी चीर फाड़ करके उसको एग्जामिन मत करो वो मर जाएगी, ऐसा मानते थे कॉलरिज। और दूसरा, किसी पोएट्री का साइज़ डिसाइड होता है उस पोएट्री के सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट जैसा होगा उतनी ही तो साइज़ होगी एक पोएट्री की, लंबी या चौड़ी नहीं कर सकते उसको ज़्यादा, उस पोएट्री को ज़्यादा या कम कैसे करेंगे। और फिगर ऑफ स्पीच, ध्यान देना वो फिगर ऑफ स्पीच की जो बुराइयाँ करते हैं उनको नहीं करनी चाहिए, ऐसा वो मानते थे। ये सिर्फ सजावट का सामान नहीं होती बल्कि पोएट्री को एंजॉय करने के लिए ये चीज़ें, पोएट्री को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हॉरेस, सर फिलिप सिडनी और डॉक्टर जॉनसन ये तीनों मानते थे कि पोएट्री प्लीजर तो कम देती है और लेक्चर ज़्यादा देती है, मतलब लेक्चर देने का काम ज़्यादा होना चाहिए पोएट्री का, लेकिन कॉलरिज मानते थे कि पोएट्री का काम सबसे पहले प्लीजर देना होता है। और कॉलरिज के हिसाब से एक अच्छी पोएट्री वो होती है जिसके सारे हिस्से, जिस पोएट्री के सारे हिस्से एक दूसरे को सहारा दें। अब एज अ क्रिटिक कॉलरिज कैसे थे ये अगर देखा जाए तो उनके खुद के टाइम पर 19th सेंचुरी में उनको समझने वाले बहुत कम थे। इसका रीज़न ये था कि उनके प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल थे और ठीक तरीके से उनके वर्क्स को सेट नहीं किया गया, बल्कि बहुत ही बिखरे हुए वर्क्स हैं उनके। विक्टोरियंस ने तो कॉलरिज को बिल्कुल समझा ही नहीं क्योंकि वो ब्यूटी में इंटरेस्ट रखते ही नहीं थे। विक्टोरियंस को कहाँ था, ब्यूटी में इतना इंटरेस्ट था ही नहीं। जॉर्ज सैंड्सबरी और आईए रिचर्ड्स ने तो कॉलरिज को एक ग्रेट क्रिटिक माना है, लेकिन प्रोफेसर रेजर बोलते हैं कि कॉलरिज के प्रिंसिपल सनक भरे थे, मैं उनको एक ग्रेट क्रिटिक नहीं मानता। खैर
आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही।